आ गई वो चीज, वाइपर की वर्किंग देख लो, ये भी आप देख सकते हो, फ्रंट्स का सारा सामान आ गया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। पहले तो गाड़ी देख लो, बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है। उसका रीजन ये है, दो दिन से पार्किंग में खड़ी हुई थी और अभी गाड़ी निकाल के लाई हूँ। ये देखो क्या हाल हो रखा है गाड़ी का। यार अपनों ने गाड़ी को टॉप मॉडल तो बनवा लिया था, लेकिन कुछ एक कमियां थी जो मुझे लग रही थी कि यार ये क्यों रह गई, और वो बहुत जरूरी चीज थी जो रह गई। अब जैसे यहाँ पे आप देख लो, टॉप मॉडल में यहाँ पे वाइपर आता है, बट अपनी वाली गाड़ी में तो वाइपर है ही नहीं। अब बीते दिनों दिल्ली में काफी ज्यादा बारिश वगैरह आई है, तो यहाँ पे कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, साफ करना थोड़ा सा ना प्रॉब्लमैटिक हो जाता है पीछे वाला एरिया। तो आज मैं आई हूँ ऑटो ग्लैमर पे उस वाली कमी को पूरी करने। फ्रंट से देखने में ना कोई भी नहीं कह सकता कि ये टॉप मॉडल नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा टॉप मॉडल लग रहा है। चाहे 360 डिग्री कैमरा हो, चाहे एलईडी लाइट्स हो, टोटल टॉप मॉडल लग रहा है। और अगर आप साइड से भी देखोगे ना, तो भी आपको कहीं से कहीं तक बेस मॉडल वाली फील नहीं आएगी, क्योंकि 360 डिग्री वाला कैमरा हो, चाहे ऑटो फोल्डिंग ORVMs हो, चाहे रूफ रेल्स हो, सब कुछ मैंने चेंज करवा लिया। और इसके अलॉयस तो ऐसे हैं जो टॉप से भी ऊपर है। अब भाई फ्रंट से और साइड से देखे तो कोई नहीं बता सकता कि ये टॉप मॉडल नहीं है, बट पीछे आते ही ना बंदे को देखते ही समझ आ जाता था कि ये टॉप मॉडल नहीं है, क्योंकि इसमें ना वाइपर नहीं था। अब फटाफट ना अपने ऑटो ग्लैमर में अंदर चलते हैं। इसका मैं आपको सलूशन बताती हूँ कि अब ये टॉप मॉडल पीछे से भी लगेगी। तो ये रहे पहाड़ी भाई, ये बताओ जो कमी अपनी गाड़ी में रह गई है वो कैसे पूरी करवाने वाले हो? पीछे से टॉप मॉडल नहीं लगती गाड़ी, टॉप मॉडल बना देते हैं। टॉप मॉडल तो बना रखे हैं, खाली एक वाइपर नहीं लगा आपकी गाड़ी में। एक सनरूफ नहीं है, सनरूफ तो अंडर मार्केट लग नहीं पाता है, लगाना भी नहीं है, लगाएंगे भी नहीं हम। बाकी वाइपर हम लगा के देंगे आपको, लग तो पाता है पर लगवाना नहीं, लगवाना नहीं, लग जाता है पर लगाएंगे भी नहीं। बाकी ओरिजिनल दूंगा, नेक्सा का जेन्युइन ओरिजिनल है, ओरिजिनल कोई जुगाड़ नहीं है। एक बार दिखा दो, दिखाता हूँ। तो ये आ गई वो चीज जिससे हमारी गाड़ी पीछे से भी टॉप मॉडल बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी। भाई दिखा दो क्या है इसके अंदर। ये मोटर है, ये इसकी असेंबलिंग है, इसके नेट बोल्ट भी सब मारुति से आए हुए हैं। अच्छा, पूरा सब कुछ ओरिजिनल, सब कुछ ओरिजिनल है। ये देखो मारुति जेन्युइन एक्सेसरीज पार्ट, ये वाइपर उसी का ही है। सब कुछ जेन्युइन एक्सेसरीज है, ये कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं है। एक नट बोल्ट से लेकर वाइपर से लेकर मोटर तक सब कुछ सुजुकी का ही है, सुजुकी का है। तो फाइनली जो वाइपर की इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे ना नई विंडशील्ड आई है टॉप मॉडल वाली, क्योंकि ना वाइपर इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे एक होल चाहिए। तो ये जो टॉप मॉडल वाली विंडशील्ड होती है ना, उसमें वाइपर के लिए स्पेशली यहाँ पे होल दिया होता है। तो पहले ये चेंज होगी, उसके बाद में वाइपर फिट होगा। ये देखो इसमें यहाँ पे कोई भी होल नहीं होता है, तो इसलिए विंडशील्ड चेंज करनी है। तो ये जो विंडशील्ड चेंज हो रही है ओरिजिनल ही है, ओरिजिनल ही है ये। चलो बाकी हट जाएगा, ये वाला शीशा लग जाएगा, इस पे कटिंग आती है जैसे। हाँ हाँ मैंने बताया वो वाइपर वाला कटिंग आएगी, ये लग जाएगा इसमें। यहाँ पे ना ग्लास उतरना स्टार्ट हो गया है पूरा, क्योंकि अब चेंज करनी है, तो बट ऑब्वियस ये वाला पहले निकाला जाएगा। ये जो शीशा है पीछे की विंडशील्ड है, ये रिमूव हो चुकी है। अब जो ओरिजिनल वाली नई वाली विंडशील्ड है वो इंस्टॉल होगी, क्योंकि हमें वाइपर लगाना है, तो बस वो चेंज हुई है। तो ये विंडशील्ड तो चेंज हो गई है, अब होगा वाइपर इंस्टॉल, जिसका जो मेन पर्पस था चेंज करने का वो यही था वैसे भी। अभी क्योंकि यहाँ पे वाइपर लगना था, मोटर वगैरह यहाँ पे फिट हो रही है, और है ना एक छोटा सा रबड़ था ग्लास पे लगना था, जो पहले ही लग गया। अभी नीचे एक टेल गेट करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी, पहले ये फिटिंग होगी। तो भाई आज नेक्स्ट डे है, कल मैंने लास्ट आपको दिखाया था विंडशील्ड फिट हो गई थी और वाइपर का जो आउटर बॉडी है वो फिट हो गया था, लेकिन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉनिक्स है जिससे वाइपर वर्क करेगा वो काम अभी होना बाकी है। तो अभी बस वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे वाइपर लग गया, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, बट कल्ला वाइपर लगने से काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पे ना मोटर भी फिट होगी, इसकी वायरिंग वगैरह अभी होनी है। और ये देखो मेरे से ना बहुत सारे लोग पूछते हैं, जो आप डैम्पिंग करवा रहे हो इसकी लाइफ वगैरह कितनी है, मेल्ट हो जाती है या नहीं। ये देखो हमने ऑटोफन की डैम्पिंग यहाँ पे यूज की थी, ये मेल्ट नहीं होती, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की डैम्पिंग है इसकी। डैम्पिंग होती है, देखो यहाँ पे टोल बाग में हल्की सीटें मिलती है, हैवी सीटें लगानी हो, डैम्पिंग अच्छी क्वालिटी की लगानी हो तो कभी मेल्ट नहीं होगी। 360 डिग्री टेम्परेचर से नपी हुई डैम्पिंग होती है। यार हमने वाइपर तो लगा दिया है, बट ये जो कंट्रोल्स हैं, ये बेस मॉडल होने की वजह से यहाँ पे वो वाले तो नहीं आते जिसमें पीछे वाले वाइपर के भी कंट्रोल हो, फ्रंट वाले वाइपर के ही कंट्रोल्स है, तो उसका क्या होगा फिर? देखो इसके लिए नोजल चेंज होगी आगे का। ओके, और ये टॉप मॉडल वाले लगेगा। ओके, और बाकी मेरे पास वो आ चुका है असेंबली, और ये मैं भी दिखा देता हूँ। चलो एक बार दिखाओ आप क्या लगना है। ये चीज है मारुति जेन्युइन है, आपके सामने खुल लो डब्बा, ये असेंबलिंग लगेगी इसमें आगे। ये पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। ये ग्रांड पहली ग्रांड बिटा होगी बीएस मोटर में वाइपर लगा हुआ आज तक। अच्छा सही है, फर्स्ट टाइम लग रहा है आपकी गाड़ी में, आज तक कोई वीडियो नहीं आएगी किसी के पास। इसमें कोई वायर कटिंग वगैरह तो कुछ नहीं होगा, कपला टू कपला का मैम नहीं, ये नोजल लगेगा ये पानी फेंकने के लिए। सही है। और एक चीज और लगती है, वॉशर भी लगता है, वॉशर। और ये यहाँ पे ना वायरिंग का सारा काम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि वाइपर वगैरह बॉडी तो लग चुकी है, अब इसको फंक्शनल करना था, तो मोटर जो है उस पे सारी वायरिंग वगैरह हो रही है। ये देखो यार यहाँ पे ना वायर का कनेक्शन हो गया और वाइपर चलना भी स्टार्ट हो गया है।
तो यहाँ पे ना वाइपर की वर्किंग के साथ साथ ना ये असेंबली भी पूरी चेंज कर दी है, क्योंकि बट ऑब्वियस है टॉप मॉडल वाली जो असेंबली होती है इसी में आपको कंट्रोल्स मिलते हैं पीछे वाले वाइपर के भी, जो बेस मॉडल में ऑलरेडी आता है उसमें तो कंट्रोल्स मिलते ही नहीं है। फाइनली गाड़ी पे वाइपर लग गया और काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। एक मिनट रुको, पहले मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो वाइपर की वर्किंग देख लो आप, एक बार वॉशर भी ऑन कर दो, ये भी आप देख सकते हो, और साथ में ना ऑटो कट भी हो गया है। अब ऑटो कट का क्या मतलब होता है, अगर मान लो वाइपर आपने यहाँ पे स्टॉप किया है तो अपनी जगह पूरी कवर करके यहीं पे रुकेगा, बीच में नहीं रुकेगा, और बीच में वैसे भी रुकेगा ना तो विजिबिलिटी हैम्पर हो जाती है, तो ये बढ़िया चीज होगी। अभी चल के एक बार मॉड्यूल भी दिखा देती हूँ आपको। अब इसका मॉड्यूल भी देख सकते हो, बिल्कुल फेक नहीं लग रहा है, ओरिजिनल नेक्सा वाला ही है। अब ये देखो यहाँ पे ऑन हो गया और ये यहाँ पे वॉशर स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं इसको बीच में ही ऑफ कर दूंगी ना तो ये ऑटो कट पे ही ऑफ होएगा, ऐसा नहीं है कि वाइपर बीच में ही रुक जाएगा। भाई बाड़ी भाई ये बहुत बढ़िया काम किया, आखिर मान गए तुमने इसको टॉप मॉडल बना ही दिया। एक ही कमी रह गई थी इसकी वाइपर की, बाकी इसमें सारा काम हो चुका था। एक क्रूज की रह गई, क्रूज भी इस हफ्ते के लास्ट लास्ट तक ये भी काम हो जाएगा। वाइपर इंडिया में पहली बार लगाई, चलो भाई अभी तक कोई नहीं लगा पाएगा इंडिया में इसको, ये पहली बार लगा। जितने भी ग्रांड विटारा आएंगे अब वाइपर लग के ही जाएंगे यहाँ से। वैसे अपनी गाड़ी का तो बहुत अच्छा काम कर दिया आजकल, और कौन कौन सी गाड़ियां कर रहे हैं? मारुति की सारी नेक्सा में जो भी गाड़ी आ रही सारी होगी, फ्रॉन्क्स जो आने वाली है उसका भी सारा माल अवेलेबल है मेरे पास इस टाइम। अच्छा फ्रॉन्क्स भी करना स्टार्ट कर दिया, करिए कोई फ्रॉन्क्स? अभी आई नहीं मेरे पास, बाकी उसका सारी आ चुकी है, सारा सामान है। देखो फ्रॉन्क्स का सारा सामान आ गया, सीट कवर हो गए, सीट कवर तो जैसे चाहे वैसे बना सकते हो, कस्टमाइज सीट कवर होते हैं, बाकी ये साइड फिटिंग हो गया, ये डोर वाइजर हो गया, ये लोअर गार्निश हो गया, बाकी इसमें गियर नॉब, एसी बैंड, ठीक है, और जो वाले यूएसबी लगते हैं वो उसी ग्रैंड विटारा वाले ही लग जाते हैं, एम्बिएंट लाइट भी है, सारी नॉर्मल चीजें बस छोटी मोटी ऐसी की सारी आ चुकी है फोन्स की भी अपने पास। चलो बढ़िया भाई, अपनी गाड़ी तो टॉप मॉडल बन गई है, बाकी अगर आप भी कोई काम करवाना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अलावा लोकेशन डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ पे जाके चेक कर लेना। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।